भाई जो है वो बिल्कुल बन ठन के तैयार है। 2 घंटे लगते आने में। देखिए मैं बुराई तो नहीं करूंगा दिल्ली की इतनी ज्यादा, क्योंकि मैं खुद रहा हूँ वहाँ पे, तो खुद बहुत पसंद है, पर यहाँ का मौसम जो है वो अनबीटेबल है, मतलब मजेदार। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ना ये बहुत अच्छा है, स्वेटर जो मतलब क्रिकेटर्स पहनते हैं ना, पहले पहनते थे कपिल देव वगैरह। हाँ शर्ट जो है सिर्फ 200 रुपीज की है, पर क्वालिटी बहुत अच्छी है, सच में अच्छी शॉपिंग रही थी। स्टारबक्स की देखो ऐसा दिखता है, कितना अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है ना, दिखा दो भैया। आई डोंट लाइक पिंक। हाँ अगर ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो भाई। हाँ फिर ये वापस लेने आए, वापस लेने आ जाऊंगा मैं। कई बार पता क्या होता है, इतना भी कम कर देते हैं लोग ना, हमारी इच्छा खत्म हो जाती लेने की। दिखेगा आपको आर्ट, पूरा बिल्डिंग ही पेंट कर दिया। वैसे टिशा थोड़ा बता कैसी लाइफ होती केबिन क्रू की? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मेरा कमेंट सेक्शन जो होता है वो काफी खाली रहता है, तो बताइए कौन कौन है जो देख रहा है ये व्लॉग को और कहां से देख रहा है। अगर मेरे पहचान के हो तो भी करो, नहीं हो तो भी करो, पता चलना चाहिए कहां कहां से लोग देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा 1000 सब्सक्राइबर के लिए। मैंने सोचा नहीं था 1000 सब्सक्राइबर पे एक साल में कम्प्लीट कर पाऊंगा, हमेशा एक टेंशन रहती थी कि 1000 सब्सक्राइबर होंगे कि नहीं होंगे, और हो गए, तो मैं काफी खुश हूं चीज के लिए, लगा नहीं था। तो जिसने सपोर्ट किया है जहां से भी किया उसको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं। और आप बताइए आपने सपोर्ट किया, आप कहां से हैं कमेंट में डालिए, पता चले थोड़ा इंटरेक्शन हो कि कौन कौन है कहां कहां से देख रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भाई जो है वो बिल्कुल बन ठन के तैयार है। कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं आज चर्च स्ट्रीट घूमने के लिए, और उसकी एक रीजन है, मेरी एक दोस्त है जो दिल्ली से आई हुई है यहाँ पे और आज शाम तक ही है, तो उसने बोला कि बैंगलोर में कहीं घूमना है, कहाँ घूमना है, तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हुआ। एक्चुअली देखा जाए तो बैंगलोर में जगह तो काफी घूमने की, पर आप एकदम से आपसे कोई पूछता ना तो आप बता नहीं पाते कहाँ घूमना है। तो मैंने सोचा कि 2-3 घंटे की बात है और घूमना कहीं पे, तो चर्च स्ट्रीट काफी अच्छी जगह रहेगी। मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको खाने का भी मिल जाएगा, आपको घूमने का भी मिल जाएगा आपको, और 2-3 घंटे में पूरी वाइब आ जाएगी बैंगलोर की। काफी हैपनिंग जगह है, मैं पहले जा चुका हूँ 1-2 बार, और कुछ ऐसी जगह भी जो शॉपिंग के लिए काफी फेमस है। तो हम आज बैंगलोर में चर्च स्ट्रीट जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप एक ग्राउंड लेवल पे देखनी है तो बहुत अच्छे अच्छे घर के लोग बहुत सारी चीजें वहाँ पे बेच रहे होते हैं स्ट्रीट पे, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, तो वो भी हम देखेंगे। तो अभी चलते हैं उसके पास, मेरे ख्याल से वो 20 किलोमीटर यहाँ से दूर रहती है, एग्जैक्टली मुझे जगह का नाम नहीं पता, तो लोकेशन पे पहुंचता हूँ, लेकिन वहां से चर्च स्ट्रीट जो है वो सिर्फ 3 किलोमीटर है, उसको पिक करते हैं फिर चलते हैं चर्च स्ट्रीट और देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो भाई हम पहुंच गए फॉर्च्यून सिलेक्ट, जहाँ पे इन लोग को रुकवाया है, इन लोग को मतलब इसको रुकवाया है क्योंकि ये कैबिन क्रू में काम करती है। और आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी जगह रुकवाते हैं ये लोग, मतलब वाह ट्रीटमेंट तो बहुत सही है। कई लोग इस चक्कर में भी मेरे ख्याल से इस लाइन में आते हैं ताकि काफी ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है। तो वेट कर रहे हैं अभी, देखते हैं बाहर आएगी फिर चलेंगे। 2:20 हो गया, इसको 4:30 बजे तो कैसे भी छोड़ना है क्योंकि 5 बजे इसकी फ्लाइट है। तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी चर्च स्ट्रीट जाएं और एक्सप्लोर करें। भूख भी लगी, मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से। आ गई। क्या हाल है? 2 घंटे लगते हैं आने में। 2 घंटे भी लगते हैं यार, लेकिन तुम लोग को तो बहुत सही ट्रीटमेंट मिलती है। मेरे को लगा ठीक ठाक ही, होटलों का बहुत बढ़िया। अच्छा कैसा लग रहा बैंगलोर में? मैं बोल रहा था ना गर्मी कम है इधर पे, देख बाहर निकल के। कल ठंडी थी बहुत, रात में ठंड लग रही होगी ना। मैंने सोचा यार, मैंने तो वैसे कपड़े लाई नहीं हूँ, बट चलते हैं। ये मेरी दोस्त दिशा है, ये पहली बार व्लॉग में आ रही है और बैंगलोर भी बहुत बार आ चुकी है पर मेरे से पहली बार मिल रही है। ये इंसान के पास टाइम नहीं है। तेरे पास टाइम कितना? अभी 2 घंटे हमारे पास घूमने के लिए, सिर्फ 2:30 बजे। 11 बजे किसी ने मुझे बोला था। 11 बजे? हाँ यार थोड़ा नहीं। ठीक है ठीक है। इस लड़की को गाड़ी चलानी थी बैंगलोर में, तो उसने ले लिया। चालू कैसे कर रहा है? जैसे कैसे एक्टर की चालू होती है भाई, पहली बार तो नहीं चला रही है तू। चल ठीक है, देख इसको आराम से फॉलो कर, 3 किलोमीटर बचे हैं सर। ठीक है मैं बैठ रहा हूँ पीछे। फाइनली पहुंच गए हैं चर्च स्ट्रीट, गाड़ी वहां पे कहीं पार्क कर दी है और आगे बढ़ चुके हैं। देखते हैं क्या क्या मिलता है, कुछ लेने लायक मिलता है कि नहीं। वैसे ये थोड़ा सरोजनी टाइप है ये लड़की, थोड़ी ये सरोजनी वाली लड़की है तो मुश्किल है इसको यहाँ पे कुछ पसंद आए। मैं सरोजनी वाली नहीं हूँ, आई नेवर गो। हाँ ये ज्यादा बाहर जाती नहीं है दिल्ली में क्योंकि वेदर अच्छा नहीं रहता इसके वजह से। लेकिन मैं बुराई तो नहीं करूंगा दिल्ली की इतनी ज्यादा, क्योंकि मैं खुद रहा हूँ वहाँ पे, तो खुद बहुत पसंद है, पर यहाँ का मौसम जो है वो अनबीटेबल है, मतलब मजेदार। पूरा सजा हुआ है यार ये, शाम को अच्छा लगेगा लेकिन शाम तक पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं यहाँ पे। हाँ और बहुत सारे कैफेज हैं, जस्ट VLR 2.0। वैसे मैंने कुछ खाया नहीं है। No, देखता हूँ। चिकन तो नहीं, मैं तो यहाँ KFC है पर चिकन खाना नहीं है। कुछ तो शॉपिंग करेंगे भाई, करेंगे। तो मैं पहले मैं देखो ना 75% ऑफ वाले में शॉप पे लेके जाता हूँ, वो काफी अच्छी जगह। स्टारबक्स है यार ये बहुत अच्छा है इधर का, चर्च स्ट्रीट का, मतलब मेरे को लगता है पूरे बैंगलोर में सबसे अच्छा स्टारबक्स यहीं का है। हाँ चलेंगे, 2 घंटे हमारे पास पता नहीं क्या करेंगे हम, देखते हैं।
हम स्टारबक्स चले गए। घुस गए हम अंदर। नहीं नहीं बैग चोरी नहीं होना चाहिए, बैग वहाँ पे रख दिया मैंने। और ये अंदर का जो एरिया देखेगी ना तू, ये देख। हाँ ये मतलब पूरा तो ऊपर का तो नहीं पता मेरे को, पर ये तो वहाँ भी उन्हीं का है। यहाँ पे अलग सेक्शन है, वो मेंस का सेक्शन है। मेंस का सेक्शन अच्छा है देखना, तभी तो ऐसा दिया हुआ है पूरा। तो भाई लड़कियों के सेक्शन में कुछ खास मिला नहीं है, अब लड़कों के सेक्शन में कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ना, ये बहुत अच्छा है। मतलब ये पूरा जो है ये इन्हीं का है। नीचे नीचे 75% ऑफ जो शॉप है। और ये देखो यहाँ पे हम दिखाई दे रहे होंगे, रिएक्ट पे करता हूँ जो कैसे पकड़ा है मैंने फोन को। और ये आगे बढ़ चुके हैं आगे, जो यहाँ पे बैग्स वगैरह भी रहते हैं और काफी सही प्राइस में। मैं यहाँ से एक वेनुसन की जैकेट लेके आया था, ये वाली जैकेट लेके आया था मैं यहाँ पे, ये मैंने पहना भी हुआ था ये। और ये मैंने 500 रुपीज में लेके गया था मैं। अब मुझे पता नहीं अभी कैसा रेट होगा, पर ये 500 रुपीज में लेके गया था मैं। ये काफी अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, तो वो एल एल पहनेंगे, वो एल थोड़ी पहनेंगे, एक्सल पहनेंगे, थोड़े मोटे हैं। मैंने तो पतला ही देखा यार। हाँ, मतलब वो अभी थोड़े से हो गए। हाँ वही। तो भाई ये जो बॉयज का सेक्शन है काफी अच्छा है, वहाँ से हम लोग आए थे और वो वहाँ से गर्ल्स का सेक्शन था। और यहाँ पे जैकेट्स बड़े अच्छे हैं। मैं तेरे को फोटो दिखाता हूँ जो मैंने पहना था ये जैकेट को, सेम जैकेट को। तेरे पे अच्छा कुछ व्हाइट डालेगी ना अंदर, ठंड में तो दिल्ली में बेस्ट लगेगा ये। मैचिंग कर रहा है, ऑल न्यूड। हाँ ये लग तो रहा है, लेकिन ये थोड़ा और छोटा क्यों होना चाहिए। हाँ चल देख ले एक बार। फिलहाल जैकेट के सेक्शन में हम लोग यहाँ से आगे बढ़े ही नहीं है, अंदर तो और भी बहुत कुछ है। पहले इसको देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कुछ अपने ले लूँ। दिस इज काइंड ऑफ स्वेटर जो मतलब क्रिकेटर्स पहनते हैं ना, पहले पहनते कपिल देव वगैरह। हाँ 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 हाँ, ये उस टाइप का ये चाहिए था यार मेरे पास। आई गेस अगर ये 1799 है, इसका 70% ऑफ कर दूं मैं, कर दे रहा 1000 के अंदर तो होगा 550 ना। ये देखो दोनों ले लेते 550, ये डन है, ये डन है, ये डन है 550। यार ये वाली चीज ले, ये रिबोक का तुमको किधर 550 का मिलेगा ब्रो ये स्वेटर। और इसको पता है शर्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है बहुत सारी चीजें। इसमें साइज देखते हैं, ब्लू कर लो, ब्लैक कर लो, बहुत सारी चीज। यहाँ पे प्यूमा की टी शर्ट है, ये सब 300 रुपीज में। आप देखोगे ये हो गया सेम कलर है पैटर्न, ये प्यूमा फरारी, तो ये सब 300 रुपीज में आपको मिलेंगी, जो 75% ऑफ इसमें भी है। कुछ चीजों में 75 नहीं है, कुछ चीजों में 65 भी है, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ 65, यहाँ पे 70 है। ये जैकेट जो इसकी शर्ट है ये देखो, ये भी सारे अच्छे तो नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, चूज करना पड़ेगा आपको। लेकिन सामने ये तो है, ये तो ठीक दिख रहा था थोड़ा, इसमें 70% ऑफ होगा। कैलकुलेट कर लो ब्रो की मैथ अच्छी, 2899 है तो 70% ऑफ होगा कितना होगा। तो ये सेक्शन जो है ये लड़कों का पूरा, मेरे को लड़कों का सेक्शन ज्यादा अच्छा लगा। लड़कों के सेक्शन में कोई आ रहा है तो ज्यादा चीजें मिल जाएगी उसको। शूज का फॉर्मल शूज ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को, पर अच्छा है, बढ़िया है, हम भी अच्छे लग रहे होंगे। अभी तक मैंने तो कुछ लिया नहीं है, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मेरे लायक। तो स्वेटर तो भाई नो डाउट पसंद आई थी, पर वो थोड़ा सा एक चीज है दिमाग में कि ज्यादा बड़ी नहीं समझ में आ रही, थोड़ा लूज चाहिए था, तो लूज उतनी है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। और कुछ पसंद आया? ये जैकेट ही ना, मैं बताऊँ ये इधर पे ना जितने भी चीजें ना यहाँ पे, ये इसमें से लेने का मजा है। तो भाई ये देखो ये साइज ना ये ठीक आया है, वहां पे मैं उस सेक्शन में गया था तो सारे बड़े बड़े थे, पर ये जिस तरह से लूज चाहिए होता है वैसे ही है, अच्छा भी लग रहा है। इसको थोड़ा फोल्ड भी कर लेंगे है ना तो और बेटर लगेगा। ये पैंट भी जा रहा है अच्छा, तो ये अच्छा कलर है, अंदर जो ब्लैक है वो भी मैच कर रहा है, वो परफेक्ट मैच कर रहा है, कोई भी हाँ। ये शर्ट जो है सिर्फ 200 रुपीज की है, पर क्वालिटी बहुत अच्छी है सच में। तो एक और देखता हूँ, दो लेके जाऊंगा कम से कम, वहाँ पे उधर पे उधर पे चलो ये इधर पे यहाँ पे मेरे को और ढूंढिए क्या लिखा है। 1 for 249, 2 for 399, क्वालिटी बहुत अच्छी है सारी शर्ट्स की। पैसे हम फूल करेंगे तो हम दो लेके जाने वाले, ठीक है। एक ग्रे हो गया तो एक दूसरा कलर। भाई शॉपिंग वॉपिंग कर ली जितनी करनी थी, मैं तो सिर्फ एक शर्ट ली अपने लिए, और जाके देखते हैं कितने का बिल बनता है। सारी शॉपिंग की हमने 2000 का बिल बनवाया मैडम ने, यहाँ चले गई है। मैंने सिर्फ एक शर्ट ली, वो बाकी सारी चीजें इसी की हैं, जैकेट जिस तरह अपने डैड के लिए लिया है इसने। ये मेरा यूट्यूब है हाँ, इसकी वजह से मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, मैं ही इसको लेके आया हूँ। ये बैंगलोर में रहती नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहती हूँ। इसको दो बैग में दे दो कम से कम, अच्छी शॉपिंग रही थी। करता स्टारबक्स की देखो ऐसा दिखता है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये इतनी सारी शॉपिंग कर ली इसने, लेकिन सही है 2000 में काफी कुछ आ गया। ये 500 में होगा तो ले लूंगा, बस लगता नहीं कहाँ गई, कहाँ गई। तो आगे चले गई यार, खुद की शॉपिंग हो गई तो आगे चले गई, मेरे को भी देखने दे। इस पे MRP लिखा है क्या? इसकी दुकानों में भी रुकी है। वो वाला दिखाइए कितने का है? ये कितने का भैया? पहन के तो देख पहले, बोलेंगे अब तो। हाँ मेरे को दे, पता चला ये भी उनका बोलने लगे, ठीक है। लेकिन पिंक थोड़ा ज्यादा कंडीशन लग रहा, कैसा लग रहा है ना दिखा दो भैया। आई डोंट लाइक पिंक। हाँ मैं भी बोला पिंक अच्छा लग नहीं रहा है, फंकी सा। ये फंकी तो नहीं, पर ये बहुत डिसेंट लग रहा, थोड़ा सा एयरपोर्ट लुक टाइप लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ये, तू मेरे तो देख ले एक बार लाइट पे, अच्छा लग रहा है ना। प्राइस पूछ, पता नहीं प्राइस क्या भैया। 350
Is it worth it? Worth it तो है, but I think तू और negotiate करेगी. मैं लेती हूँ दो, आप मुझे 400 भैया. देखना पड़ेगा. पहले देखना पड़ेगा ऐसा बोल रहे. देखो मैं ये तो लूंगी लेकिन आप इसके अलावा कौन सा तो देखेंगे तुम्हारे लिए? मेरे लिए 100 पर ठीक है. नहीं ऐसा भी ऐसा नहीं है भाई, ब्रांडेड वाली बात नहीं है. देखना पड़ेगा उसी में पहन सकता हूँ. नॉर्मली पहन निकल सकता हूँ इसको यार. गो टू एयरपोर्ट. ये वाला भी ठीक है, बेटर है. नॉर्मल कभी भी नॉर्मल है ना. तो ये तो तुम्हारा ही वाला है. सेम सेम नहीं है, ब्लैक है. ग्रोन ये बेटर है. सेम ही है. पसंद तो है हमारी. दो नहीं, एक मेरे पास एक पार्टी वाला, वो पहन ही नहीं पा रहा हूँ मैं. तुम जाते हो, अगर ये अच्छा लग रहा तो कमेंट करो भाई. हाँ फिर ये वापस लेने आए. वापस लेने आ जाऊंगा मैं. भाई अभी तक दो चीज ली है. एक 75% ऑफ वाली शॉप में गए, वहाँ पे 2000 की शॉपिंग की, मतलब इसने की, मैंने क्या ही करना है मुझे. और अभी दो चश्मे भी इसने लिए 400 रुपीज में. तो दो चीज की शॉपिंग हुई है, देखते हैं और क्या. यहाँ बैग्स अच्छे मिलते हैं, एक बार देख ले. अरे नहीं, घूम के गई वहाँ पे. मैंने बहुत सारे लोगों को बैग्स लेते देखा है, वहाँ बैग्स अच्छे रहते हैं. तो भाई इसने बैग स्किप कर दिया. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है. चीज इसने ली है, अच्छा लग रहा है यार. ये ना थोड़ा ये गोल्डन वाला 120 और ये सिल्वर वाला 80, ये अच्छा है. ये देखो भाई, इधर पे भी लड़कों की शॉपिंग कर सकते हैं. इधर पे टी शर्ट अच्छे दिख रहे हैं वैसे तो. नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए अभी, अभी सिर्फ शॉपिंग तुमको करना है. नहीं तुमको नेक्स्ट टाइम वैसे. हाँ दिल्ली से लेके आना कुछ, नेक्स्ट टाइम तू जब ले ओवर करके आएगी. देख ये कितना कूल लग रहा है. कौन बैठा है इधर पे टी शर्ट में भाई. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है जिससे शॉपिंग करनी हो. हालांकि मजा वही है कि यहाँ पे जो स्ट्रीट शॉपिंग है वो भी अच्छी है, वो कर लो. बाकी नहीं तो सारे ब्रांड्स तो हैं यहाँ पे. हमारी शॉपिंग तो हो गई, हम कुछ खाते हैं. कितना टाइम बाद इतना शॉपिंग किया. हाँ ढंग से निकली ना. दिल्ली में गरीबी में से निकल नहीं पाती है. नहीं मैं दिल्ली की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरा मोटिव नहीं है. पर बस मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि कितना अच्छा रहता है बैंगलोर में वेदर. अभी एक शॉप की दुकान पे गए थे, और शॉप की दुकान बोल रहा हूँ, अभी एक वॉच की दुकान पे गए थे. वॉच की दुकान में स्टार्टिंग किया उसने 1200 और 300 तक आ गया था. 10 में तो नहीं करता, मतलब 250 कई बार. पता क्या होता है, इतना भी कम कर देते हैं लोग ना, हमारी इच्छा खत्म हो जाती लेने की. अरे मेरे को कहाँ रुक गई है, और देखो यहाँ रुकी हुई है. अभी ये बैग्स अच्छे हैं यार. देखो ये बैग्स यहाँ पे, ये बैग्स मिलेंगे आपको ऐसे. क्या बैग्स तो अच्छे थे ना. अच्छे है बट अब मेरी एनर्जी खत्म हो गई. हाँ चल ठीक है. कितनी भीड़ है यहाँ पे, ये लेन में खासकर कितनी भीड़ है. इतने सारे लोग देखेंगे. आज संडे भी है ना, इसकी वजह से लोग कहेंगे ये क्यों रुके क्यों है वहाँ पे. पता नहीं क्या रीजन इसके सब रुके हुए हैं. तो पता है यहाँ पे बहुत सारी वो चीजें होती रहती, मालूम पीआर वाली चीजें. बहुत सारे यूट्यूबर्स तुमको यहाँ पे दिख जाएंगे, बहुत सारे वो देखो यूट्यूबर दिख रहा है वहाँ पे. हाँ ये हेलमेट वाला देखो, इसको देखो. ऐसे इंटरव्यूज वगैरह ना वो भी होते रहते इधर पे. मतलब बहुत सारे इंस्टाग्राम चैनल्स हैं वो यहाँ पे, वो लाइव पब्लिक पोल्स वगैरह कुछ भी करवाते हैं, रिएक्शन करते हैं, है ना. जैसे लॉर्ड पुनीत के बारे में पूछ लेंगे, बिग बॉस के बारे में पूछ लेंगे, कुछ भी. तो चलते, टाइम ज्यादा बचा नहीं है. तो क्विक स्नैक में क्या मिल जाएगा, तो देखो ये मैं कर रहा तो ये मिल जाएगा स्वीट कॉर्न, यहाँ खाते. और ये देखो यहाँ पे किस तरह का दिखेगा आपको आर्ट, पूरा बिल्डिंग ही पेंट कर दिया है. और ये लेन काफी 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 भरा मिल रहा है इधर पे भी, मतलब ये लेन पर्टिकुलरली. इधर स्ट्रीट शॉपिंग बहुत सारी हो सकती है. देखो स्ट्रीट पे सारी चीजें रखी हुई है ये, और बढ़िया क्राउड है, मजा आ रहा है. ये गुड़िया के बाल. स्वीट कॉर्न खाने के बाद आप जाते हैं थर्ड वे पे, थोड़ी कॉफी पीते हैं, कोल्ड कॉफी, और उसके बाद फिर निकलेंगे. बाकी ये देखो ये पूरी वाइब मिलेगी आपको चल स्ट्रीट में. ऐसी काफी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, जितना हमें नीड थी उतना मैंने करा दिया. बाकी अभी कॉफी पीते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या करना है. वैसे टिशा थोड़ा बता कैसी लाइफ होती है केबिन क्रू की. यार इट्स नाइस, इट्स हेक्टिक तो बहुत है. इट्स ऑन यू कि आप कैसे लेते हो. हां तो ठीक है, इट आस्क्स फॉर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. पर बेस्ट पार्ट क्या है, घूमने मिलता है. मैं इसको कितना बोलता हूँ कि मैं तेरी जगह होता तो मैं हर जगह जाके व्लॉग ही कर रहा होता. वो पॉचेटिंग हाँ वो तो सब नहीं कर सकता ऑब्वियसली, आई कैन अंडरस्टैंड. वो सबके कंफर्ट जोन से बाहर है, मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि यू शुड व्लॉग एवरीथिंग. आजकल सब कुछ कंटेंट ही है, जरूरी नहीं है वो. भाई हम लोग बैठे हैं, जल्दी से कॉफी करेंगे, उसके बाद अभी टाइम हो गया और निकलेंगे, फिर इसको ड्रॉप करेंगे, इसकी फ्लाइट है. थैंक यू. इसके होटल पहुंच गए इसको ड्रॉप करने के लिए. और कैसा रहा एक्सपीरियंस, फिर से आएगी जल्दी.
ठीक है ठीक है, जरूर आएगी बोल रही है। तो ये था यहाँ तक का ब्लॉग, चल स्ट्रीट का हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से बोल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।